आज के लेसन नंबर 6 में हम देखेंगे इंग्लिश का साउंड सामने, ऊपर, नीचे या कहीं पर भी जाता है तो वो क्यों और कौन से लेटर्स के ज़रिए, और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसे आपको बनाने हैं। सबसे पहले जो आ साउंड के लिए लेटर यूज़ किया जाता है वो ए है, यानी ए को हम आ साउंड के लिए यूज़ करते हैं और डबल ए को हम आ साउंड के लिए यूज़ करते हैं, और ई छोटी ई के लिए हम आई का यूज़ करते हैं और बड़ी ई के लिए हम डबल ई या सिर्फ एक आई या डबल आई का भी हम यूज़ करते हैं। कभी कभी ये कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ ये फर्स्ट वाला यानी कि बड़ी ई के लिए डबल ई या आई का यूज़ होता है। उसी तरीके से छोटी ऊ के लिए यू का यूज़ होता है और बड़ी ऊ के लिए डबल ओ या यू का यूज़ होता है, इन दोनों में से कोई एक। ए के लिए ई का यूज़ किया जाता है और ए के लिए ए आई का यूज़ किया जाता है, यानी ए साउंड आएगा जहाँ पर वहाँ पर ए आई का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ओ साउंड आएगा वहाँ पर ओ का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ओ साउंड आएगा वहाँ पर हम ए और यू का यूज़ करेंगे, और बाकी ये अन नून का साउंड आएगा, न का साउंड आएगा तो वहाँ पर हम इस एन का यूज़ करेंगे। तो आ साउंड के लिए ए, आ साउंड के लिए डबल ई और ई साउंड के लिए आई, और ई साउंड के लिए डबल ई या आई, और ऊ साउंड के लिए यू और ऊ साउंड के लिए डबल ओ या यू, ए साउंड के लिए हम ई यूज़ करते हैं जैसे पेन जो वर्ड है, उसके बाद ए साउंड के लिए ए आई यूज़ करते हैं और ओ साउंड के लिए ओ यूज़ करते हैं और अ साउंड के लिए ए और यू यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि यही बेस है। अब देखें यहाँ पर का में अ साउंड है, जैसे हम कहते हैं क, अ साउंड है तो के और ए क। अब क में आ की मात्रा आ गई, क में आ की मात्रा, तो हम उसके लिए डबल ए का यूज़ करेंगे का, ठीक है का, या यहाँ पर सिर्फ एक ए का भी यूज़ किया जा सकता है, ये वाला भी यूज़ किया जा सकता है, तो क का। छोटी ई के लिए आई का यूज़ कर रहे हैं की, और बड़ी ई की के लिए हम डबल ई का यूज़ करेंगे या आई का यूज़ करेंगे की। कू छोटी ऊ के लिए यू का यूज़ करेंगे और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का यूज़ करेंगे या यू का यूज़ करेंगे कू कू। उसके बाद ए साउंड के लिए यानी के साउंड के लिए ए का ई का यूज़ करेंगे के, और ए साउंड के लिए ए आई का यूज़ करेंगे कै के कै को क। तो ये साउंड है लास्ट वाला जो अभी आपको ऊपर बताया गया है। ख के लिए हम के एच का यूज़ करते हैं ख के लिए, और ख के लिए भी यही यूज़ होता है, यानी कि इसे हम ख भी पढ़ सकते हैं और ख भी पढ़ सकते हैं। तो आगे ये खा खा दो तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मैंने कहा जहाँ पर डबल ए है वहाँ पर एक ए का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये रोमन इंग्लिश की बात हो रही है, वो अमेरिकन या ब्रिटिश की बात नहीं हो रही कि वहाँ पर आपने स्पेलिंग चेंज कर दी, ये लिखने की बात हो रही है कि जब लिखेंगे तो वहाँ पर इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। खी फिर खी और खी दोनों तरीके से यहाँ पर लिखेंगे खू। उसके बाद और डबल ओ ऊ के लिए यानी कि खींचने वाले के लिए खू खू, एक यू यूज़ करेंगे या डबल ओ यूज़ करेंगे खे खे खो खो। आगे गा और आगे गा गा गी 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 गू गू गू। असल में यहाँ पर ये गलत है, ओ नहीं होगा इसे गो पढ़ेंगे, फिर ऊ साउंड के लिए हम यू लगाएंगे या डबल ओ लगाएंगे। फिर आगे गे गै गो गौ। घ के लिए हम जी और एच का यूज़ करते हैं घ घा घी घी घू घू घे घे घो घ। च चा ची ची चू
और यहाँ पर खींचकर चू, जब डबल ओ रहे या यू रहे। नाम लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा ये वाले चीज़ आपको। छ, छ के लिए भी वही होता है सी एच, छ, छा, छी, आगे छी, छू, छू, फिर ज, जा, जी, जी, जू, जू। झ के लिए जे और एच, झ, झा, झी, झी, झू, झू, खींच करिए। यानी बड़ी ऊ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे या हम यू लगाएंगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। फिर छे, छ, छो, छ, फिर वही है, असल में यहाँ पर छे है, छे, छ, चो, छ, और छे, छ, छो, छ। इंग्लिश में दोनों की स्पेलिंग यहाँ पर एक होगी, हिंदी में बस अलग हो जाएगी। अभी हम इन सब वर्ड पर एग्जांपल देखेंगे। जैसे चमक भी आप ऐसे लिखेंगे सी एच ए एम ए के, चमक। फिर आगे छलक भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, यानी ये च भी है और ये छ भी है, छ और ल और का, छलक। दोनों की ये च और छ दोनों की स्पेलिंग एक ही होगी, डिपेंड करेगा कि आगे क्या है। जे, जय, जो, जौ। फिर आगे झे, झै, झो, झ, ट, टा, थ, था, ड, डा, और ढ, ढा, टी, टी। आगे इसे आप त भी पढ़ सकते हैं और ट भी, बिल्कुल ऊपर की तरह, ती और ती, और टी और टी, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे टू, टू, टे, टै। थ के लिए टी एच यूज़ करते हैं, आगे ऊपर हम पढ़ चुके थे, थ, था, थी, और एक चीज़ और याद रखेंगे, ठ के लिए और थ के लिए टी एच का यूज़ किया जाता है, ट और थ के लिए। जैसे च और छ के लिए सी एच, ट और थ के, ट और थ के लिए टी एच का यूज़ किया जाता है। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, क्या कहा था मैंने, ट और थ के लिए टी एच का यूज़ करते हैं, और च और छ के लिए सी एच का यूज़ करते हैं, और ट, ट और त के लिए टी का यूज़ करते हैं। थू, थू, टी एच ई, इसे इंग्लिश में आप द भी पढ़ते हैं और डी भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बात लिखने की हो रही है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे थे भी पढ़ सकते हैं और थे भी पढ़ सकते हैं। जैसे वो एक लड़का था, था कैसे लिखेंगे, टी एच ए, था ऐसे लिखते हैं। फिर आगे थे, हाँ, डी, डी, डू, डू, डे, बै, और द के लिए बस डी यूज़ होता है, ध के लिए डी एच, ध के लिए डी एच, धी, धी, धू, धू, धे, धै। तो असल में आप इसे हमेशा जब इंग्लिश की कोई बुक पढ़ेंगे तो आप इसे टू पढ़ेंगे, टी एच रहेगा तो टू। फिर ट, अब यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही तो टो पढ़ें, टो, ट, आगे थो, थ, डो, डो, ढो, ढ, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, त के लिए टी ही यूज़ करते हैं, त, ता, ता, और यहाँ पर ये गलत हो गया, एच नहीं आना चाहिए, टी आई, टी, ये तो थी हो जाएगा, जो थी हो जाएगा या ठी हो जाएगा, तो ये थी, एच को हटा ले यहाँ से, ती, ती, टू, और ये खींचकर टू डबल ओ है, थ, था, थी, थी, थू, थू, द, दा, दी, दी, दू, दू, ध, ध, ड के लिए भी क्या यूज़ हुआ था, डी ही यूज़ हुआ था, ध, धा, धी, धी, धू, धू, टे, थे, दे, धे, तै, तो, थै,
थौ, दै दो दौ, धै धो धौ। यहाँ पर कुछ वर्ड को याद रखें, जब वही कह रहा हूँ मैं, जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इसे आप टू पढ़ेंगे और इसे आप डू पढ़ेंगे, डो नहीं पढ़ेंगे। न ना नी नी नू नू ने ने नो नौ, प पा पी पी पू पू पे पे पो पौ। फ के लिए पी एच यूज करते हैं, फ फा पी फी फू, और ये खींचने के लिए फू फे फे फो फो। ब बा बी बी बू बू बे बे बो बो। बस एंड में देखें वही चीज आ रही जो स्टार्ट में बताई गई थी, ए और डबल ए, फिर आई डबल ई, यू डबल ओ ई, और ए आई ओ और ए यू, और बाकी वही साउंड है। भ भा भी, म मा नी, य या यी, र रा री, भी भू भू भे भे भो भो, नी मू मू मे मै मो मो। यहाँ पर ध्यान देंगे इसे आप मैं नहीं मी पढ़ेंगे। यी यू यू ये ये यो यो, री रू रू रे रे रो रो, ल ला ली ली लू लू ले, व वा वी वी वू वू वे। श श साउंड के लिए एस एच का यूज किया जाता है, श शा शी शी शू शू शे, आप इसे शी पढ़ेंगे। स सा सी सी सू सू से, ह हा ही हु हु हे, आप इसे ही पढ़ेंगे, शी और ही। ये सारे जितने एक्सेप्शंस हैं वो आने वाले सबक में बताए जाएंगे। ले लो लो, वे वो वो, शे शो शो, से सो सो, है हो हो। अब यहाँ पर देखें आ साउंड के लिए हम ए का यूज करते हैं या डबल ए का। राम दो तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये पहला वाला तरीका ज्यादा बेहतर माना जाता है। उसी तरीके से दास लाला धाम आज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी, फिर उसी तरीके से राधा इस तरीके से भी, ज्यादा बेहतर ये माना जाता है। यानी आ की मात्रा के लिए सिर्फ एक ए का यूज करना ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन कुछ लोग डबल ए का भी यूज करते हैं। तो किसी के नाम लिखने से पहले उसकी स्पेलिंग उसी से पूछना ज्यादा बेहतर है। राज इस तरीके से भी और इस तरीके से भी कुछ लोग लिखते हैं, शाह इस तरीके से भी लिखते हैं और कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। यानी कि आ की मात्रा के लिए ए का या डबल ए का यूज किया जाता है, और कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर, आप इसे बनाएंगे। और जब अ साउंड हो सिर्फ, तब वहां पर ए का ही यूज करते हैं, सिर्फ ए का। जैसे कर तो के ए का, और आगे आप रा लिखेंगे यानी आर कर। उसी तरीके से यहाँ पर देख लें, धर लता लता, यश हर कथा। आ के लिए भी एक ही ए का यूज किया जा रहा है, और सिर्फ अ साउंड है उसके लिए भी एक ए का ही यूज किया जा रहा है। दश इसे दाश भी कर सकते हैं, दश भी कर सकते हैं, लेकिन डबल ए अगर आ गया तो फिर वो कन्फर्म हो जाता है कि इसे हम दश नहीं दाश ही पढ़ेंगे। आगे जन और गया, फिर जया और बजा। आ की मात्रा के लिए भी एक ए का यूज किया जा रहा है, और अ साउंड के लिए भी एक ही ए का यूज किया जा रहा है, जया। उसके बाद बजा, उसे बाजा भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए कन्फर्म करने के लिए क्या करना होता है, ब ज और इसके साथ डबल ए दे देंगे, तो बजा। और बाजा पढ़ने के लिए कन्फर्म क्या करेंगे हम, बी
ए डबल ए लगा देंगे। अब इसे ब नहीं बा ही पढ़ेंगे ज़्यादा कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, उसे बनाएंगे। आगे अटल भरत सलाम, ठीक है, सलम भी पढ़ सकते हैं सलाम। उसी तरीके से कमाल, स्पेलिंग यही ज़्यादा यूज़ होता है, एक ए के साथ डबल ए के साथ इन सब वर्ड का स्पेलिंग यूज़ नहीं होता। भारत कलाम रतन शरद, आगे सहारा सहारा, आगे मदन शार और शर दोनों हो सकता है लेकिन शार पढ़ेंगे, शारदा शबाना। क्वेश्चन है, आप यहाँ पर खुद से बनाएंगे। फिर आगे कम ला सर ला पट ना शार या शर दा, लेकिन शब्दा नहीं होता तो शारदा ही होता है। आगे डाल ना डाल दा, आखिरी में डाल डा, गन पत, आगे दश रथ दश रथ, टम टम। एक्सरसाइज नंबर 4। आगे न साउंड के लिए ये ऊपर में जो है इसके लिए आप इनका यूज करते हैं, यानी बिंदु के लिए इनका यूज किया जाता है। रंग रंजन खां खां। फिर आगे तंस नंदन जहां, ठीक है जहां, ये इसके लिए चंद्रबिंदु के लिए। पंख, आगे कं चन चांद गंग गा पं कज बन और ध बंध या बांध। ए का वही कहूँगा आ भी आवाज होता है और अ भी आवाज होता है। च के लिए सी एच यूज किया जाता है, जैसा कि बताया गया चम पा रत ना सत या प्राण प्रा, ठीक है, और परा सिर्फ रहता कि परान, तब आप पी एच पी ए लिखते प्रा है प्रा, तो पी के बाद डायरेक्ट आर लिखेंगे प्रा। फिर ट्रान पम पा अम बा, आगे खम भा अन ना अच्छा बच्चा। फिर ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे। आगे हरी शी ला री ता रवि ली ला सी ता शिव, जैसा कि कहा गया ई साउंड के लिए आई का और डबल ई का भी यूज किया जाता है। गी ता शी खा शी खा या शिखा, शिखा होता है तो हम आई का यहाँ पर ई छोटी ई की मात्रा समझेंगे शिखा। संजीव, लेकिन डबल ई का साउंड सिर्फ बड़ी ई की मात्रा के लिए यूज किया जाता है, आई का दोनों के लिए यूज किया जाता है। नवीन विम विमल विमल, ठीक है विमल। श्री श्री का स्पेलिंग इस तरीके से प्र प्रवीन। क्वेश्चन बनाएंगे आप यहाँ पर, फिर उसके बाद रघु रघु फूल रानु मधु रामु साधु पूनम जी टू पूनम को और पी यू एन ए एम करके भी लिख सकते हैं, यानी डबल ओ की जगह यू भी लिख सकते हैं, लेकिन डबल ऊ डबल ओ लिखने की वजह से वो ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है। सुभाष सुभाष कालू नूतन कुमार लालू, आगे भूटान, ठीक है भूटान भूटान या भूटान दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं। सन तान सन रे खा गणेश, ए साउंड के लिए ई। नैना हे मा रथ नेश शैल शैल, ए साउंड के लिए ए आई यूज करते हैं। बेला नेहरू शैलेश शैलेश। एक्सरसाइज नंबर 9 बनाइए इसे खुद से। ओ साउंड के लिए ओ यूज करते हैं। मोना सोहन गौरव सोना मोहन
सौरव, शोभा, मनोज, मनोज, खिंचेंगे नहीं, अभी सिर्फ एक ए रहे तो। आगे सुपौल, सुपौल, मोदी, सरोज, सरोज, अम, अम, सबसे पहले यहाँ पर अम, फिर नौर, अम नौर, लोदी, विनो, विनोद, नौ शाद, एका आ यूज किया गया है। इसका कुछ नहीं नामों के साथ यूज किया जाता है तो आप इसे याद ही कर लेंगे। जैसे यहाँ पर रक्षा, लक्ष्मी, अक्षय, अक्षय, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं अक्षय। उसी तरीके से यहाँ पर इसके लिए के, एस और एच का यूज किया जाता है हिंदी के इस लेटर के लिए। तरह के लिए मित्रा, श्रा के लिए मिश यानी एस एच आर, मिश्रा। इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, आगे इसको पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे आपको। अमरेंद्र, आखिर में ए आ रहा है वो पढ़ा नहीं जाएगा, अमरेंद्रा नहीं पढ़ेंगे, अमरेंद्र। कर्ण, आगे बोस, इसे पढ़ेंगे बोस। महेंद्र, महेंद्र। बुद्धा, जॉन, जॉन की स्पेलिंग जे ओ एच, समझ ले एच साइलेंट है। जितेंद्र, कृष्णा, जॉनी, शैलेंद्र, द्रोणा, द्रोण पढ़ते हैं इसे, द्रोण। डेविड, क्या पढ़ेंगे, डेविड। अगला है प्रसाद, आ चुका है ये वर्ड काफी मरतबा इस वर्ड से रिलेटेड। देवी, वर्मा, वर्मा पढ़ते हैं। यादव, कुमारी, शर्मा, सिंह, आगे पांडे। मिश्रा, सिन्हा, गुप्ता, अग्रवाल, ऐसे पढ़ते हैं इसे, अग्रवाल, अग्रवाल।